लास्ट टाइम आपसे जब साद अशमानी से मिले थे तो हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था। इस दफा हम थोड़ा सा इनके साथ एक चिल व्लॉग बनाएंगे और आप देख सकते हैं खुद भी बड़े चिल प्ले बॉय वाली लोग पूरी दी है। ओए 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 ओए। सुना है बड़े प्लेयर हैं गोल्फ के अंदर। रास्ते में आपको कॉन्टेक्ट बनाने के लिए टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में मुझे कहते थे अगर जॉब चाहिए तो गोल्फ खेलना सीखे। बहुत सारे स्पोर्ट्स बड़े लोग खेलते हैं, अगर आपको कॉन्टेक्ट बनाने होते हैं तो आपने चेस खेलना होगा, गोल्फ खेलना होगा। बहुत से लोग हमारे ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह और फिर रोजा शराब से खुला होता है। ये वाला सीन नहीं है, आपकी जो किताब है आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। नाम चौबस भाई गुड़, आप पहले आए हो यहाँ पे? हलाल स्टेक की वाइज जगह है लेकिन यहाँ का ओनर मुझे सख्त ना पसंद है। As soon as you enter, he tells you, we're gonna close at 10. That's not good business. जिंदगी एक स्पोर्ट है, जिस मुकाबले में भी करो चांद मार के करो, जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ में। हाय बॉयज एंड गर्ल्स, क्या हाल चाल है? दिस इज योर बॉय मूसा खान एंड वेलकम बैक येट टू अनदर ब्लॉग बॉयज एंड गर्ल्स। चेक करो नई ग्लासेस भाई की बनी है, लेकिन अभी बाल नहीं सही बने हुए तो इतना फिट नहीं लग रहा, लेकिन कोई मसला नहीं। हम जा रहे हैं ह्यूस्टन और मेरे साथ है इस वक्त बुली भाई और मेरे साथ है इस वक्त फिजा। ठीक है, साजिश मानी को तो आपको पता ही होगा, पीछे ब्लॉग में देखा है। उनके साथ हमारा प्लान था, एक सीन था, उन्होंने कहा था कि 9:30 बजे तक घर आ जाना, फिर वहां से आगे चलेंगे। आई डोंट नो स्पेसिफिकली कहां जा रहे हैं लेकिन हमें चलते हैं। लेकिन फिलहाल अभी हम आए हुए पीच आइसक्रीम पे। जब भी हम ह्यूस्टन वाले ब्लॉग्स आपने देखोगे जा रहे होंगे तो हम ये पीच आइसक्रीम में ये जगह है, जैसे आप चेक करो ना, ये इनका ना काफी फिट सीन है। तो वली ने कहा मैं भी इस दफा आऊंगा सादा चेक करूंगा किस आइसक्रीम की बात करते हैं। मैंने कहा तो ये चेक कराते हैं, आ जाओ फिर अंदर चलते हैं। पीछे इसका मौसम है, वली को तो बड़े पसंद है। वो ट्राई करने ब्लैकबेरी सोर्स एक ट्राई करूँ? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता यार, दे दूंगा पैसे उसके। ब्लैकबेरी ट्राई करते हैं फ्रेश। वली वाइन विलियम, अब विलियम हो गया, विलियम वाइन सैंपल करनी है यार। उन्होंने फ्रेश फार्म फ्रूट्स रखे हैं। हाँ, इनका अपना फार्म है, वहाँ से आते हैं फ्रेश फ्रेश। ठीक है, और आइसक्रीम भी फ्रेश होती है इनकी, सब फ्रेश और है। वो शराब भी फ्रेश होती है, शराब भी फ्रेश रखी हुई है। कॉटन कैंडी भी पड़ी हुई है, अगर तूने अपना बचपना रिलीव करना है, बड़ी मजे की होती है कॉटन कैंडी। मुझे भी पता है। अच्छा, खाई थी बचपन में तूने? बस बकेट पकड़ लिया ले रहा तू, मजे के लग रहे हैं, लाल लाल हैं, ये शहतूत की तरह होते हैं। ये मसला ये है कि इसमें कम पड़े, जिस तरह तू ठूंगे मार के खा रहा था ना, इसके अंदर लोगों ने खत्म कर दिया। तो भाई उनसे वो पीछे से बकेट मंगवा ले, उन्होंने ये डिस्प्ले, वो देख क्या कर रहा है पागल, अच्छे अच्छे वाले डालना क्या कर रहा है। दो रख रख की पॉटियां दी इन्होंने खूब। अब शौक से खाना से आई हैव अ यूट्यूब चैनल, इट्स मूसा खाना, इट्स ऑन आवर यूट्यूब। 60K MUSA MUSA एंड KHANA at the end. Yep, you got it. It's okay. On YouTube. I'm also on Instagram, so you can like watch me there too. You might not understand some of it, but I do speak English in the middle. But you'll see yourself in the video though. This will be in like 3-4 days. एक दफा सारी ठूस के खुद खा गई, यदि गुस्से में सारी खा है, कैसी है, मजे की कि नहीं? चीनी डाल ले जाके। अगर मैंने डाली होती मैं घर में बना देता। बात तो सही है। Hi, how are you doing? सबको बताना पड़ेगा मेरी टांग निकली है, मैं हॉकी का खिलाड़ी हूँ। कैपेचिनो एक ऑर्डर की थी, प्रिटी गुड। अब हम सीधा जाएंगे ह्यूस्टन में, होटल में चेक इन करना है। होटल के चेक इन के बाद फिर हम साधुशमानी से मिलने जाएंगे। ठीक है, वी विल सी यू एट ह्यूस्टन। अभी हम पहुंचे, पहले मैंने कहा था होटल जाना है लेकिन हम सीधा साधुशमानी की तरफ आ गए। ठीक है, और यहाँ से हमने फिर स्टेक हाउस एक खाने जाना है, प्लान बना ब्राजीलियन स्टेक हाउस का, और उसके बाद हमें टॉप गोल्फ खेलने चाहिए। वली भाई का भी बड़ा दिल था टॉप गोल्फ का ना, तो फाइनली यू नो स्टेक का भी दिल था, तो तुम्हारे लिए स्पेशल हम आज कर रहे हैं सर्विस, बेस्ट हो गया है। फिर भी कहता है मैं अच्छा भाई नहीं हूँ, ये एक्स्ट्रा चीजें डाल फजूल की बकवास। मसाला आपको दिखाता हूँ, मेरा फेमस जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था जो कि आप लोगों ने काफी ने देखा, वो भला किधर हुआ था? यहाँ पे हम बैठे हुए थे, हमारे पे पॉडकास्ट हुआ था यहाँ पे, साद अशमानी से मिले थे तो हमारा एक पॉडकास्ट हुआ था। इस दफा हम थोड़ा सा इनके साथ एक चिल व्लॉग बनाएंगे और आप देख सकते हैं खुद भी बड़े चिल प्ले बॉय वाली लोग पूरी दी है। ओए 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 ओए, इसका क्या सीन है यार? कपड़े जानने वाले लोग अब पिक करते हैं, हाँ। खुद करते थे। ओए। और आज क्या प्लान है बताएं जरा लोगों को।
आज हम लेके जाएंगे तुम्हें एक स्टेक हाउस, हलाल स्टेक हाउस, क्योंकि नीचे कमेंट आएंगे कि भाई हराम गोश्त मिलता है यहाँ पे। नहीं, जरूर आएंगे। उसके बाद हम जाएंगे गोल्फ खेलने, अमीरों के शौक। सुना बड़े प्लेयर हैं गोल्फ के अंदर। रास्ते में आपको कॉन्टेक्ट बनाने के लिए टेक्सास टेक यूनिवर्सिटी में मुझे कहते थे अगर जॉब चाहिए तो गोल्फ खेलना सीखे। बहुत सारे स्पोर्ट्स बड़े लोग खेलते हैं, अगर आपको कॉन्टेक्ट बनाने होते हैं तो आपने चेस खेलना होगा, गोल्फ खेलना होगा, क्रिकेट भी खेलते हैं, ब्रिटिश लोग क्रिकेट खेलते हैं, वैसे सिगार लाउंज में भी कहते हैं, सिगार लाउंज में भी कॉन्टेक्ट बनते हैं। एक और जगह है जहाँ हमें जाना प्रोहिबिटेड है, जिसकी वजह से थोड़ी डिफिकल्टी हुई कॉन्टैक्ट्स बनाने में, जिसे कहते हैं बार। बार में भी हाई एंड लाउंज एंड बार में भी कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, लेकिन हम जा नहीं सके तो हमें कॉन्टैक्ट्स बनाने में थोड़ी देरी हो गई। रियली बार के अंदर? एब्सोल्युटली। तो बिग गाइज ये लोग पीते पिलाते हैं, तो अच्छा। पीने पिलाने के शौक वाले लोगों से भी कॉन्टैक्ट्स बड़े जल्दी बनते हैं, लेकिन वो दरवाजा खुला ही नहीं है। तो आई थिंक हमारे लिए सही तरीका है कि हम अपना जो कैरेक्टर और अपनी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करें, सामने वाले को आप इस चीज से भी इम्प्रेस कर सकते हो और कॉन्टैक्ट बना सकते हो कि आप में कितना रिस्ट्रेंड है। वैसे अच्छे भी है, अच्छा कैरेक्टर शो होता है। एब्सोल्युटली। मेरे जो अच्छे बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त बने हैं वो इसी चीज से इम्प्रेस हुए हैं कि आपका जो मजहब कह रहा है ना चीज, यू आर फॉलोइंग दैट 100%। बहुत से लोग हमारे ऐसे होते हैं ना, वो बोलते हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह और फिर रोजा शराब से खुला होता है, ये वाला सीन नहीं है। आपकी जो किताब है आप उसको रिस्पेक्ट कर रहे हो। ऐसे मतलब ये नहीं कम लोग हैं, बहुत लोग हैं ऐसे। मैं तो ये कहता हूँ भाई नेक वो है जिसको मौका नहीं मिला, सीधी सी बात है। यार दो रास्ते हैं, एक है हुकूक अल्लाह जो आपके राइट्स और फराइज हैं टुवर्ड्स अल्लाह, और दूसरे रास्ता है हुकूक लिबाद। हमारी जो कौम है उसका सबसे बड़ा इशू है हुकूक लिबाद में जीरो। सेल्फ पाइटी में हम लोग सबसे ज्यादा जजमेंटल और सबसे ज्यादा हाइप पे हैं, लेकिन जहाँ झूठ और सच की बात है वहाँ जीरो, बहुत बड़े मुनाफिक हैं। वैसे जो एक और जगह थी आप कह रहे थे उसकी टेंशन नहीं है, हमारी कश्तियाँ रेडी है, 45 मिनट्स की ड्राइव है, 45 मिनट्स वापसी है, तुम लिमिटेड टाइम के लिए आयो, 5-6 घंटे गाड़ी चला भी है, तुम्हें कयाम ज्यादा कराएंगे और ट्रेवल कम कराएंगे। बॉयज एंड गर्ल्स अब इंट्रोडक्शन करा दिए, बस अब हम निकलते हैं, ठीक है। और आपको ब्राजीलियन, वैसे ब्राजीलियन स्टेक हाउस लेके भी नहीं गया कभी, तो डिफरेंट डिफरेंट मीट्स आपको ला के देते हैं, ठीक है। वेल आपको जब उधर पहुंचेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, इट विल बी अ बेटर डेमोंस्ट्रेशन। Yeah, we already have our people sitting here. Yeah. भाई साहब को किसने बुला लिया? How are you, man? कैसे हो? अरे भाई क्या हाल चाल है? ये रखो सैलेड में आ जाओ, इससे पहले बाहर निकाल रहे हो। क्या कह रहे हैं? खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। थोड़ी सी सैलेड ये वाली दे दो जिसमें थोड़ा वो लगा हुआ था, एक बस। क्या चीज? दिस वन? हाँ फॉर श्योर। And mushrooms. Assalamu alaikum. Have we met last time? Sorry if I... I live in Dallas. I don't live here. Oh, okay. You live in Dallas too. आप पहले आए हो जहर भाई यहाँ पे? इनकी कौन सी आइटम अच्छी? सही सही। हाँ पठानों को तो फिर आपको पता ही है। गाना बंद करते हैं प्लीज थोड़ी देर। Is this Riba? Yeah. When did he start singing? 10 o'clock. Okay, 10 o'clock. Okay. Shit! अरे भाई रुक जाओ, यहाँ 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 से गोश्त आ रहा है जगह से। बस कर दो। This is the garlic beef. I have an idea. मैं अपने साथ माइक लाया था इसी सिचुएशन के लिए। अब आपने कोई बात करनी हो ना, मैं जल्दी से माइक घुमा दूंगा सबके आगे। जो गार्लिक बीफ था उसमें बहुत सॉल्ट था। व्हाट इज दिस? सिरलॉइन स्टेक्स। या श्योर श्योर, जस्ट अ लिटिल पीस। या थैंक यू। वली भाई कैसा है टेस्ट दिस? ओह सॉरी, बहुत मजा आया। अच्छा जी, दिस इज द सिरलॉइन। दुपड़ी दासा सुना रहा है ये ना, खाना ज्यादा दिल पे जाके लग रहा है ना। ऐसा ही है वो जब करते हैं ना या, तो गोश्त भी इस तरह जा रहा है अंदर व्हाइट सॉस के साथ। चले बस कर दें कलम। यू हैव लैम्ब चॉप्स? ओके। अभी तक मैंने गार्लिक हर्ब और रिबाई खाई ना, उसमें सॉल्ट थोड़ा सा ज्यादा है, बट इट्स टेस्टी। इफ यू मिक्स इट विद समथिंग एल्स इट्स प्रीटी गुड। अगर आप सैलड्स वगैरह के साथ सॉस के साथ मिक्स करें अच्छा है। वो देखो जरा, अब मेरे दो तीन अगर आंसू निकल गए ना तो उसमें फिर मेरा कसूर नहीं है। इसका मतलब उनका काम सक्सेसफुल हो गया। ये लैम्ब चॉप आ गया है, बस इसका इंतजार था मुझे। इसमें होपफुली नमक ज्यादा ना हो। लेट मी ट्राई द रिबाई फर्स्ट। रिबाई इज वेरी गुड, बेस्ट कुक्ड आइटम है। ये देखो ओए होए होए
लैम चॉप इज वेरी गुड। आप पहले आए हो यहाँ पे? हलाल स्टेक की वाइज जगह है, लेकिन यहाँ का ओनर मुझे सख्त ना पसंद है। तो as soon as you enter, he tells you we're gonna close at 10. That's not good business. That's true. उसने किया, अभी हम एंटर होते हैं कहते हैं कि हम भाई 10 बजे बंद हो रहे हैं। That's not very smart. We're gonna spend $500-$600. As a business person, he's not very smart. Yeah. I think to be honest, his best selling point is that this place is halal, right? That's it. But it's good. Minus the end. कोई नहीं, लेकिन तालियां बजा दो। वैसे वेरी गुड फूड। अच्छा इसलिए ना दो दो नैपकिन दिए हैं सबके आगे, एक खाने के लिए एक आंसू पोंछने के लिए। सैड गाना चलाया हुआ ना तो यू नो लोग रो भी पड़ते हैं। हलाल भी है, डिफरेंट डिफरेंट मीट्स भी खा सकते हो, लेकिन आप रो भी सकते हो साथ। 10 out of 10 पॉइंट्स। एनीवेज विल सी यू आफ्टर टॉप गोल्फ पे। हम आगे यहाँ पे टॉप गोल्फ पे, एज यू कैन सी में तो बली भाई है, बाकी पार्टी सारी आगे है। यहाँ पे हम टॉप फ्लोर पे आए हैं। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको पहले भी एक व्लॉग में लाया हूँ, माय एक्स डिलीटेड वाला व्लॉग, लेकिन इस दफा हम आए टॉप फ्लोर पे। तो यहाँ से हमने छक्के मारने और जाके ना उन सुराखों के अंदर डालने, ठीक है। साथ भाई कह रहे थे मैं गोल्फ का बहुत बड़ा चैंपियन हूँ। जिंदगी एक स्पोर्ट है, जिस मुकाबले में भी करो जान मार के करो, जीतना हारना ऊपर वाले के हाथ में। जब भी इनसे बात करो तो हमेशा एक लेसन मिलता है, मेहनत करनी है, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। कोर्स नहीं बेचूंगा गोल्फ का। जितनी देर में उन्होंने प्लेयरों के इन्फॉर्मेशन ऐड किया ना, नाम पता घर का एड्रेस सोशल सिक्योरिटी। हाँ सही बात है। ज़हर भाई का हम देखते हैं जरा शॉर्ट। ओए बड़ी नाप तोल के सीधी शॉट मारी है, 4 पॉइंट्स मिल गए। अच्छा एक क्लियर के। चलो सही है, अगर तूने पहली दफा में मार ली ना तो ये मैं मान जाऊंगा। चल मार। ओए चार ही मिले तुम्हें, ये आउटर सर्कल के पॉइंट ज्यादा है। अच्छा लो भाई साहब इनमें देखते कितना दम है। मैं बातें लगाने में अच्छा, मुझे नहीं आता। नाइस, इतनी ऊपर गई है नजर ही नहीं आ रही। वहीं पे रह गया। बॉल थी, ट्राई बॉल थी, रुक जा, ट्राई बॉल है। 0 पॉइंट्स मिले मुझे, 0 पॉइंट्स, कोई मसला नहीं बॉयज एंड गर्ल्स। क्यों नहीं ये देखना पड़ेगा, ड्राइवर के मुंह पे लगनी चाहिए जाके सामने। उसने इतना जबरदस्त सेट लगाया है वरना उसका मुंह ही नहीं होता। ओए कट शॉट खेला, कट शॉट पॉइंट है, पॉइंट तो है, पॉइंट तो है। 3 पॉइंट मिल गए। मारे बंदा रख के मारे वायर मेरे से तो अच्छा वही खेल रहे हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ओए मेरा था किसी और का था। नहीं वो बोला देख तेरा गया। एम सेट कर रहा है वली भाई अपना। अब ये सारी रात करता रहेगा इमोटिंग। ओए तो मैं पढ़ के दम कर दिया इसमें। ओए सारी दम की बात थी, एक दफा फूंक मारने भी था। लेकिन आसमान पे पहुंच गया, इससे हम सातवें आसमान पे जाके मिलेंगे। मेरी तरह आपने गोल्फ खेलनी है तो फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये मूसा का भाई है बड़ा जबरदस्त, वो भी वीडियो बनाता है, उसको भी सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल का लिंक दिया होगा। हमारा टाइम खत्म होने लगा है, देखो 72 सेकंड रह गए और वली भाई ने यहाँ पे काफी ज्यादा अंडे दे लिए इस वक्त। ऐसे स्टॉक जो गिरी जा रहे हैं वहाँ पे खड़ोगे। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है। हाँ माइंडसेट की सारी गेम है, इसको बता दो एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है इसका। सारी एक्युमुलेट कर लिए इन्होंने। हाँ। अब ये गरीबों में बांटेंगे, अब ये गरीबों कोर्स इसको शुरू करना चाहिए असल में। गोल्फ का टॉप गोल्फ लेट है। तो हाँ भाई बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये कि हमने गोल्फ वगैरह खेल ली थी, फारिग हो गए थे, उसके बाद सीधा हम होटल में चेक इन करने आए। अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, बहुत देर तक हम हैंग आउट करते रहे, सारा कुछ फन किया, एंजॉय किया, लेकिन व्लॉग को यहाँ पे अब हम एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खाना एंड वली भाई एज वेल। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक एज वेल। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह।